इस वीडियो में मैं आपको माय ग्रिप ये किक सिखाने वाला हूँ। माय यानी फ्रंट और गेरी यानी किक। फ्रंट किक एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव किक है। अलग अलग सिचुएशन में ये किक बहुत काम आते हैं, इसलिए आपको ये किक आना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने फ्रंट किक करने के अलग अलग तरीके बताए हैं, तो उन्हें समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो, मैं हूँ राहुल दाभाड़े और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडी को उठाने के बाद अभी जो जमीन पर जो हिस्सा है उसे 4 फुट कहते हैं। स्क्रीन पर मैं 4 फुट इस हिस्से का फोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। सबसे पहले उंगलियों को पीछे खींचकर आपको अपने पैर को यहाँ सामने लाना है। अब पैर को सीधे करते हुए 4 फुट इस हिस्से का इस्तेमाल करके आपको किक करनी है। इस किक को इफेक्टिव बनाने के लिए 4 फुट इस हिस्से का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। 4 फुट यह हिस्सा बहुत मजबूत होता है और इसी वजह से ये किक जोर से लगती है। इस किक को पावरफुल बनाने के लिए आपको अपने पैर को पूरी तरह से सीधा करना है, उसे पीछे खींचने की गड़बड़ ना करें। किक पूरी हो जाने के बाद आपको अपने पैर को वापस पीछे खींच कर जमीन पर रखना है। अगर आपने पैर को वापस पीछे नहीं खींचा तो आपका अपोनेंट आपकी किक पकड़ सकता है और उसके बाद वो आपका बैलेंस बिगाड़ देगा या फिर आसानी से आप पर अटैक कर सकता है। इसलिए किक लगने के बाद आपको अपने पैर को वापस पीछे खींचना बहुत ज़रूरी है। जिस पैर से आप किक करने वाले हो उसे कमर से ज़्यादा दूर ना रखें। इस किक को करते समय ध्यान दें कि जिस पैर पर आप खड़े हो, यानी यहाँ पर मैं राइट लेग से किक कर रहा हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट लेग है वो मैंने पूरी तरह से सीधा नहीं किया। लेफ्ट लेग को थोड़ा सा बेंड करना है और फिर आपको राइट लेग से किक करनी है। इस किक के लिए टारगेट है नेक, चिन, सोलर प्लेक्सस, रिब्स, ग्रोइन और चेस्ट, घुटना, ग्रोइन, पेट। ऐसे कम हाइट वाले टारगेट पर ये किक बहुत तेजी से लगते हैं, इसलिए इस किक से बचना या फिर उसका डिफेंस करना मुश्किल हो जाता है। इस किक का इस्तेमाल आपको ज़्यादातर शोल्डर के नीचे करना है, जहाँ पर इस किक की स्पीड ज़्यादा है। अब देखते हैं साइड फ्रंट किक। फ्रंट किक करते समय आपकी कमर आगे की तरफ होती है, लेकिन अब साइड फ्रंट किक करते वक्त आपको यहाँ इस तरह से साइड में घूमना है। यहाँ पर आप मेरा लेफ्ट लेग है वो आगे की तरफ है और राइट लेग पीछे की ओर है। जिस तरह से आपने फ्रंट किक की उसी तरह से आपको साइड फ्रंट किक करनी है। साइड फ्रंट किक को इस ओर से देखें, यहाँ पर मैंने लेफ्ट लेग आगे की ओर किया है और राइट लेग मेरा पीछे की ओर है। अब लेफ्ट लेग को आगे उठाकर इस तरह से किक करनी है। नॉर्मल फ्रंट किक को अगर आप साइड फ्रंट किक से कंपेयर करें तो साइड फ्रंट किक थोड़ी आगे तक चली जाती है। इस किक का इस्तेमाल करके आप अपने अपोनेंट को दूर रख सकते हैं। इस किक को आप अलग अलग कॉम्बिनेशन अटैक में भी इस्तेमाल कर सकते हो। फुटवर्क का तरीका, फ्रंट किक और डिफरेंट पंचेस, इनका इस्तेमाल करके आप अलग अलग कॉम्बिनेशन अटैक तैयार कर सकते हो। इस चैनल पर मैं कराटे और सेल्फ डिफेंस रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूँ, तो इसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।